नमस्कार, हमारे स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर, जिसे कि स्मार्ट सिटी के तौर पर अब देखा जाने लगा है। और स्मार्ट सिटी की जब बात होती है तो स्मार्ट टॉक होना चाहिए और स्मार्ट ही स्टेप भी आगे बढ़ना चाहिए। कैसे इंदौर जिले के डीएम और कलेक्टर सम्मानी श्री पी नरहरी सर आगे स्मार्ट स्टेप्स बढ़ाने वाले हैं और क्या पूरा प्लान ऑफ एक्शन है, किस तरह से उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जब केंद्र की मोदी सरकार ने अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती इंदौर जिला प्रशासन के कंधों पर दे दी है और 11वें नंबर पर इंदौर का नाम शामिल है स्मार्ट सिटी की पहली सूची में, ऐसे में तमाम चैलेंजेस पर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, स्मार्ट टॉक करने वाले हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की सर डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे यंगस्टर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पब्लिसिटी हुई है अब तक स्मार्ट सिटी को लेकर, बहुत सारे संशय हैं। क्या उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज सिटी होगी या हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दृष्टिगत रखते हुए डेवलपमेंट होगी? देखिए, स्मार्ट सिटी का वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जो डेफिनेशंस जो भी उभर के आए हैं, स्मार्ट सिटीज बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में अधिकतर अभी तक बने हैं, उसमें कोई भी सिटी आम आदमी के लिए रहने लायक हो और उसकी जो आधुनिक आवश्यकताएं हैं वो इस तरह से उसमें समावेशित हो कि उसको अपना जीवन जीने में बहुत आसान हो जाए। स्मार्ट सिटी की अवधारणा में जब हम देखते हैं तो स्मार्ट सिटी में ना आपको ओवरहेड ऐसे इलेक्ट्रिक तार झूलते हुए दिखेंगे और ना ही बहता हुआ कोई ड्रेनेज दिखेगा। और पेयजल हो, सीवर लाइन्स हो, आपको ढूंढने से भी कहीं ऊपर के भाग में नहीं दिखेंगे। आपका पूरा जो शहरी क्षेत्र है जी, जहाँ पे आप रहते हैं या फिर आपके कॉलोनीज हैं, आपको पूरा व्यवस्थित दिखेगा, आपके ग्रीनरी बेहतर दिखाई देगा और उसके साथ ही शहरी क्षेत्र का जो घनत्व वाला जो भी क्षेत्र रहेंगे वहां पर ज्यादातर लोग अपने वाहनों को छोड़कर पैदल या फिर नॉन मोटरेबल व्हीकल्स यानी कि साइकिलों का उपयोग करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस तरह की व्यवस्था जहां पे दिखाई देगा वो स्मार्ट सिटी कहलाएगी। सर, ये कहें कि आप लकी हैं इंदौर के लिए, क्योंकि लगातार जब से आपने कलेक्टर की कुर्सी संभाली है, दायित्व संभाला है, जब से इंदौर अचीवमेंट्स करता जा रहा है, ODF के मामले में भी इंदौर जिले को बहुत बड़ा एक रिकग्निशन मिला है, स्टेट गवर्नमेंट ने पहला इंदौर को ये खिताब दिया, सौगात दी है, किस तरह से ये चैलेंज को आपने देखा? और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उनके सिविक सेंस को लेवल तक ले जाना कितना कठिन कितना आसान आपके लिए? देखिए, बहुत कठिन काम है। जी, जी, जी। मैं ये पॉइंट कहता हूँ कि व्यवहार परिवर्तन, exactly. व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज करना सबसे कठिन काम है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति पुस्त दर पुस्त और जनरेशन टुगेदर हर साल हर दिन लोटा लेके जो गांव के बाहर या खेत खलिहान के किनारे जो लोटा लेके शौच करने जाता है, उस व्यक्ति को अगर हम कहें कि आप इसको बंद करो और आप शौचालय उपयोग करने लगो, वो व्यक्ति बहुत ही अजीब तरीके से अपने को देखता है कि ये क्या हमें हमसे मांग कर रहे हैं। उसी चीज को समझाना और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि शासन प्रशासन को अपने लोगों के साथ संवाद बना के चलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनके लिए जो शासन प्रशासन जिस तरह का काम कर रहा है, जो चीजें परिवर्तन क्यों आना चाहिए ये बताने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, वो जो 1-to-1 टॉक या कम्युनिटी बेस्ड टॉक, इन चीजों का कमियां रहती हैं, इसलिए लोग व्यवहार परिवर्तन नहीं करना चाहते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर ओपन डेफिकेशन फ्री जी जी ग्रामीण जिला बनाने में भी हम लोगों ने यही स्ट्रेटेजीज अपनाए समझाने का। जी, जी। फोकस जो है पूरा समझाने पे ज्यादा रहा है रादर देन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पे, तो इसलिए हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जैसे ही स्मार्ट सिटी ये शब्द आता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत जरूरी है, आपको लगता है इंदौरियंस उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है? इंदौर की पब्लिक को भी कैसे, आपने हर बार कहा है कि पब्लिक एंगेजमेंट बहुत एसेंशियल होता है किसी भी इनिशिएटिव के लिए, तो स्मार्ट सिटी में आगे कैसे पब्लिक एंगेजमेंट आप बढ़ाने वाले हैं? देखिए, ऑलरेडी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार हुआ था, प्रोजेक्ट प्रपोजल में हम लोगों ने लगभग 4 महीने का समय जैसे शासन ने भी रखा, हम लोगों ने उसको लिया, उसमें ऑलरेडी हमने पब्लिक को, सिटीजन्स को एंगेज किया हुआ है। हमने भरपूर उनको सिटीजन्स का सोशल मीडिया के माध्यम से, इंडिविजुअल एसोसिएशंस और ग्रुप्स के माध्यम से उनके साथ इंटरेक्शन काफी हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें
जैसे मैं बता रहा था कि लगभग 72,000 लोगों ने अपने सजेशंस दिए, लगभग 2,00,000 सजेशंस हम लोगों ने एकत्रित किया है इस 4 महीने के इस पूरे कैंपेन। तो इतना सहभागिता हमने इस पर्टिकुलर योजना में ऑलरेडी ले ली है। अब जब क्रियान्वयन की बात आएगी तो ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल को हम बहुत ही सकारात्मक रूप से उपयोग करने का प्रयास करेंगे। सर, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, ये स्मार्ट सिटी का क्या एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली सोच रखते हैं, बाइसाइकिलिंग को आपने फेवर करने की कई बार बात भी कही है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आपके नेतृत्व में अधिकारी भी जो है हफ्ते में एक दिन साइकिल का उपयोग करते नजर आएंगे। पर्यावरण को बनाए रखना जी, दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, आज हमारा जो भी पर्यावरण है, राइट, इस पर्यावरण को हम बना के नहीं रखेंगे तो आने वाले जनरेशन हम से प्रश्न करेंगे कि इनके द्वारा ये बिगाड़ा हुआ माहौल हमको मिला है। तो पर्यावरण हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा, चाहे कान नदी शुद्धिकरण से संबंधित हो, पूरे शहर में प्लांटेशन की व्यवस्था हो, हमारे ऐसे बिहड़ पड़े हुए पहाड़ियों को उनको फिर पुनर्जीवित करना हो, तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी प्रायोरिटी में हैं। परंतु स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो एक पर्टिकुलर सीमित एक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर एरिया को लेके हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। जब आएगी पूरे शहर की बात आएगी, हमारे पास और परियोजनाएं हैं, अमृत प्रोजेक्ट है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, और स्मार्ट सिटी में कुछ घटकों का हम लोग उपयोग करेंगे। राइट, तो मैं ये कहूंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारे पास एक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज को हम उपयोग करते हुए हम शहर में गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट के साथ साथ एक ऐसा एस्पेक्ट होगा जो कि स्मार्ट सिटी से जिसको जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि जब डेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो ट्रेडिशनल इंदौर का, तो वहां पर वो तमाम बेसिक सुविधाएं भी हो, और खासतौर पर सोलर एनर्जी डिपेंडेंट लाइफ भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आने वाले दिनों में कहा गया है कि 24 घंटे जल की व्यवस्था हो, पीने के पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की सुचारू व्यवस्था हो, तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इसको कैसे कोपअप करेंगे, क्या कोई प्लान तैयार किया है तमाम फैक्टर्स को देखते हुए? देखिए, शहर का जो विकास है ऑलरेडी माननीय मेयर साहब और हमारे जो परिषद हैं, हमारे विधायक गण हैं, इनके कुछ आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग आइडियाज को ही हम लोग उसको ऑन पेपर डालने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में अधोसंरचना विकास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है, पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है, और हमारा शहर पूरे देश के ही वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज हैं, पॉपुलेशन वाइज, व्हीकुलर डेंसिटी वाइज, ये तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अमृत प्रोजेक्ट का जो उसका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट जो बना है, उसमें हमने ये तमाम चीजों को समावेश किया, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से संबंधित हो, सीवर नेटवर्क को पुनर्जीवित करने से संबंधित, या फिर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने की आवश्यकता हो, हम लोगों ने ये तमाम चीजों को उसमें डाला है। परंतु ये सबको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि शहर का, कोई भी शहर का विकास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक साल में एकदम ऐसा नजर आने लगे, ऐसा कोई डेफिनेट परिवर्तन एक साल में आपको नॉट नेसेसरली दिखेगा। अगर दुनिया भर में अगर शहरों का विकास हुआ है, स्मार्ट सिटीज के रूप में उभर के आए हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का समय लिया है, तो हम बात करेंगे 5 ईयर्स, आने वाले 5 ईयर्स के प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसकी ज्यादा बात। बिल्कुल, मिशन 5 ईयर्स ही हो टारगेट का, डेफिनेटली। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं, राजवाड़ा को चयनित किया गया है, राजवाड़ा के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर कल्चरल हेरिटेज को भी सहेज कर रखा जाए और मॉडर्नाइजेशन भी हो, सर ये कैसा प्लान है, और आने वाला जो भविष्य का राजवाड़ा होगा जो कि न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है, वो किस तरह से नजर आने वाला है, क्या जिला प्रशासन राजवाड़ा का जो एरिया है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमने सिटीजन एंगेजमेंट किया था, उसमें सिटीजन्स ने ही कहा है कि हमारा जो शहर का हृदय स्थल है उसी को हमें डेवलप करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने राजवाड़ा का जो लगभग 500-600 acres का लैंड जो है, लैंड पार्सल को उसको लिया है, उसमें कई सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। वहाँ का जो आज का जो पेयजल और सीवर नेटवर्क बहुत ही बदतर हालत में, बिल्कुल लगभग 100 साल पुराना तात्कालीन होलसेल समय में डाला हुआ पाइपलाइन नेटवर्क अभी भी उसी का उपयोग होता है,
कहीं पे भी आप छेद करके देखेंगे तो आपको ड्रिंकिंग वाटर और सीवर मिक्स होता नजर आ, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये रिट्रोफिटिंग है। रिट्रोफिटिंग का तात्पर्य ये है कि पुराना जो वैभव जब कभी इस राजवाड़ा एरिया का अवधारणा हुआ थी उस समय जो प्लानर्स ने जिस तरह से प्लानिंग किया था उसको इंटैक्ट रखेंगे लेकिन मॉडर्न एलिमेंट्स उसमें डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको तार नहीं दिखेंगे, आपको नीचे ये जो पेयजल और सीवर लाइन इंटरलिंकिंग इंटरमिक्सिंग होने वाला चीज नहीं दिखेगा, आपको अधिकांश एरिया को हम पेवर ब्लॉक से ऐसा बना देंगे जिससे कि आपको आसानी से हेरिटेज वॉक जैसा आपको फील आए जब भी आप वहां पे वहां से निकलेंगे। वहां पे खान नदी है जी, जी उसका खान नदी का पूरा एरिया को साफ करने की जरूरत है, उसमें से गंदगी हटाकर रिवर साइड रोड नेटवर्क को भी डेवलप करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजों को हम लोगों ने राजवाड़ा का रेट्रोफिटिंग में डाला हुआ किया। थोड़ा डेफिनेटली देखिए ये जब काम करेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, परंतु तकलीफ इस बात का रहेगा कि बनते समय जो तकलीफ आएगा वही तकलीफ रहेगी। एक बार जब बनने के बाद आप इसका स्वरूप देखेंगे तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी तक तो मेरा हर जगह जहाँ कहीं पे भी हमने काम किया है हमेशा सहभागिता को ही उनको साथ लेके प्रायोरिटी दिया है। जहाँ सहभागिता होता है लोगों को लोगों का विश्वास लेके जब हम चलते हैं तो काम आसान हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात हो रही है तकरीबन 1000 करोड़ का ये एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट होगा, 500 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, 500 करोड़ राज्य सरकार देगी। ऐसे में क्या लगता है जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी कहीं कोई बेहतरी का कोई एस्पेक्ट दृष्टिगत रखा गया है और आने वाले समय में, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंदौर में अगर है तो वो ट्रैफिक की है और उसमें कहीं ना कहीं सिविक सेंस भी आ जाता है कि ट्रैफिक रूल्स के वॉयलेशन के केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, क्या इस एस्पेक्ट को भी दृष्टिगत रखा गया है क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी भी स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा पहलू होगा। बहुत ही सही पॉइंट आपने उठाया है, हमने सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें डाला हुआ है जिसमें ट्रैफिक को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित हो, जितने भी ऐसे इंटेलिजेंट एस्पेक्ट्स को लेके हम काम कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों को हमने पैन सिटी इनिशिएटिव इसमें देखिए स्मार्ट सिटी में दो तरह के काम करना है, एक एरिया बेस्ड काम करना है, एक पैन सिटी इनिशिएटिव लेना है। तो पैन सिटी इनिशिएटिव में हमारे द्वारा इंटेलिजेंट सिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को हमने इसमें डाला है जिसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी रहेगा, सॉलिड वेस्ट भी रहेगा और भी चीज़ें जो हो सकते हैं जिसमें हम शहर को एक जगह बैठ के एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाकर उस कंट्रोल रूम किससे हम देख सके कि हमारे किस किस इलाकों में क्या काम हो रहा है, क्या तकलीफें आ रही है नागरिकों को, अगर किसी स्पॉट पे डिफिकल्टी है तो कहाँ वो डिफिकल्टी है, तो एक कंट्रोल रूम में हम लोग इस चीज को देखें उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो पैन सिटी इनिशिएटिव में इस चीज को हमारे द्वारा लिया गया है। सर एक आईटी सेक्टर जो डेवलप हो रहा है इंदौर, एक ऐसी शहर, ऐसा दौड़ता भागता शहर जहां पर आईआईटी है, आईआईएम है और अब टीसीएस और इंफोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनीज ने भी दस्तक दे दी है, ऐसे में वाईफाई पूरे शहर को बनाना, क्या यह भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में शामिल है और इसको कैसे आप कर पाएंगे? देखिए स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें पैन सिटी में डेफिनेटली हमारे जो इंटेलिजेंट इनपुट्स की जो मैंने बात की थी वो ऑलरेडी है। आपको जैसे आपको पता है कि अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 150 पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई ऑलरेडी किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसको स्केल अप करेंगे विद इन वन ईयर, हमारा प्रयास ये है कि ये 500 फ्री वाईफाई स्पॉट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। तो अब स्मार्ट सिटी के जो इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी में हमारा सिटी का सिलेक्शन होने से एक बहुत बड़ा बूस्ट हम लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैं या फिर ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो हमें सहयोग कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारे आगे आ रहे हैं जी। वो ये कह रहे हैं कि हमको वो हेल्प करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे आप। तो ये स्मार्ट सिटी में एक बार सिटी का नाम आया तो हमको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिलेगा और ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स ज्यादा से ज्यादा हम इसको डालेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत सारी बातें हो गई, हमने स्मार्ट सिटी पर बहुत बात की। इंदौर की जनता ये भी जानना चाहती है कि किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अभी वस्तुगत स्थिति, जो वर्तमान इंदौर में चुनौतियां हैं, जनता के सामने परेशानियां हैं, उससे कैसे उनका छुटकारा होगा। चाहे हम बात करें, बहुत सारी ऐसे वार्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर आज भी जो है सीवरेज लाइन की प्रॉब्लम्स हैं,
बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर आज भी पीने का पानी जो है साफ नहीं मिल पाता है, उन रहवासियों के लिए, उन जनता के लिए भी क्या कोई खास प्लान है? स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारी प्लानिंग हो रही है। नहीं, इसमें अमृत में है इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं। जी, देखिए स्मार्ट सिटी में तो हम लिमिटेड एरिया की ही बात कर रहे हैं। ओके, व्हेन इट कम्स टू एंटायर सिटी, जब एंटायर सिटी में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत की बात करेंगे फिर वो अमृत में पॉसिबिलिटीज है। अमृत प्रोजेक्ट में सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ये जो चीजें हैं जिससे कि आम आदमी को परेशानियों से दूर रखा जा सकता है, वो चीजें हमने अमृत प्रोजेक्ट में लिया हुआ। राइट, तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट सिटी से हट के हमें इसको सोचने की जरूरत रहेगा। चलिए सर, बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस, और इंदौरियंस के लिए एक खास मैसेज होगा क्योंकि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। ज्यादातर आपने अपनी बातों में कहा कि प्रायोरिटी में आपने पब्लिक एंगेजमेंट को रखा है, ऐसे में जनता से कौन सी अपेक्षाएं जिला प्रशासन रखता है, और अब जबकि हम टॉप 20 में आ गए हैं, ऐसे में अब कौन कौन से चैलेंजेस है जिसको आपको पूरा करने के लिए पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत सख्त जरूरत जिसकी लगती है आपको? देखिए, इंदौर के लोग ऑलरेडी स्मार्ट हैं, एंड जिस तरह जिस स्मार्टनेस के साथ में उनके द्वारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में जो बढ़ चढ़ कर काम हिस्सा लिया गया था वो ऑलरेडी हम सबको पता है। अब मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हम जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अभी लेने वाले हैं, जैसे अभी स्मार्ट सिटी में हमारा नाम आया तो अब बहुत सारी चीजें हम करेंगे, कंटिन्यूसली हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम करने वाले हैं, कैसे हम इसको करेंगे। तो आपका आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उसी स्मार्टनेस के साथ पार्टिसिपेटिव रहे, आप पार्टिसिपेशन देते रहे, हमको आपका सजेशन, आपका फीडबैक मिलता रहे, उससे हमको लगेगा कि हाँ हमारे लोग हमारे सब तमाम एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं और हमको फीडबैक दे रहे हैं, तो हम भी अगर कहीं सुधारने की गुंजाइश है तो हम सुधार ले रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि उसी स्मार्टनेस के साथ कोऑपरेट करते रहें और अपना समय समय पर फीडबैक दें, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू इंप्लीमेंट ऑल योर सजेशंस एंड फीडबैक। चलिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। तो ये थे स्मार्ट इंदौर के स्मार्ट कलेक्टर श्री पी नरहरी सर, जो कि बता रहे थे कि बहुत सारे स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं और उनके तमाम एस्पेक्ट्स पर भी लगातार जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। आने वाले समय में कैसे ये डेवलपमेंट का प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है और कैसे हमारा राजवाड़ा मध्य प्रदेश की शान और पहचान तो है ही, अब वो भारत में कैसे एक अनुपम स्थान रख पाएगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे और देखेंगे कि स्मार्ट सिटी की वस्तुतः स्थिति किस तरह से जनता के बीच में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रोजेक्ट साबित होगा। सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नाइस टॉक यहाँ पर, न्यूज टॉक में इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे तमाम और नए इशूज के साथ, फिर एक और जानी मानी हस्ती और शख्सियत के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए कैमरा पर्सन शीलेंद्र गुर्जर के साथ, नमस्कार।